अरे ये रक्षा है जापान का, ये आदमी लोग चलाते हैं इसमें बंदा बिठा के। ओह कमाल है, ये ट्रेडिशनल है इनका और इन्होंने इसको पुरानी रिवायत को बाकी रखा हुआ है, हमें स्टाटा कर रहा है। अच्छा ये रोबोट्स हैं, अब आप देखो इसको हिला रहे हैं तो ये भी हिल रहा है। कमाल है यार, पूरा गोला बनाया हुआ है, ये तस्वीर नहीं है, ये अर्ज़ बलद और तूले बलद के निशानात हैं। यहाँ तो इन्होंने लटकाई हुई, अल्लाह ने तो किसी रस्सी से भी नहीं बांधा हुआ ज़मीन को। क्या यार इतनी बड़ी ज़मीन को अल्लाह ने खला में घुमाया है, हैं अल्लाह की कुदरत नहीं है। वो बटन नहीं दबा देना, ऐसा ना उड़ी जाए हम लोग। हाँ ये जापान है, इन लोग का कोई भरोसा नहीं है यार। ये वजन के बगैर कैसे रहते हैं ऊपर, बड़ी हिम्मत है। तो ये देखें रॉकेट, जब हम रॉकेट में होते हैं तो हमें दुनिया से नीचे नजर आएगी, दुनिया नजर आएगी, आखिरत नजर नहीं आएगी। अरे ये रक्षा है जापान का, ये आदमी लोग चलाते हैं इसमें बंदा बिठा के। ओह कमाल है, तो ये अभी किराए पे बंदे तलाश कर रहा है। ये तो पता नहीं है, अभी शो कर रहे हैं है? बिठा सकते, अच्छा बिठा सकते। बंदा बिठा के ले जाएगा, चलेंगे तो इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है, रक्षे टैक्सियां ये सस्ता है। नहीं, ये उनका ट्रेडिशनल है, पुराने अच्छा पुराने जमाने को जिंदा रखा हुआ है, नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा 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 अच्छा, एब नॉर्मली इस्तेमाल होता है। अच्छा चले 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 यार, चलो भाई चलो भाई। अभी कहाँ जा रहे हैं, वो भी आ रहा है देखो। ये ट्रेडिशनल है इनका और इन्होंने इसको पुरानी रिवायत को बाकी रखा हुआ है, हमें स्टाटा कर रहा है। सही है, ये लोग जा रहे हैं इसमें बैठे हुए देखो, इस रक्षे में। एक मिनट एक मिनट, ये रक्षे में जा रहे हैं देखो, ये है। इस उम्र के लोग भी यहाँ साइकिल चलाते हैं, आप ये देख लो, जापान में बूढ़े लोग भी साइकिल चलाते हैं, तभी लंबी लंबी उम्रें होती हैं इनकी। मैं समझता हूँ ये गाड़ी में भी जा सकते हैं बुजुर्ग, लेकिन ये साइकिल पे जा रहा है, इसलिए जा रहा है साइकिल पे, सेहत अच्छी रहे, मेहनत रहे। ये हम इस वक्त आए हैं साइंस म्यूजियम, साइंस म्यूजियम, क्या नाम है इसका आप बताएं? ये नाम खुद अजायब घर में रखने के काबिल है। फ्यूचर क्या बोलते हैं, फ्यूचर का कोई ये नाम है इसका, मिराई कां, मिराई कां। यहाँ से टिकट लिया हमने, यहाँ क्या है, सिटी है दुनिया की बेहतरीन, फर्स्ट म्यूजियम दुनिया की है। हाँ। जो मशीनों की म्यूजियम है। अच्छा अच्छा, पहले म्यूजियम है दुनिया की, सारी यहाँ टेक्निकल मशीनें हैं, रिपोर्ट्स यहाँ पर। अच्छा ये रोबोट्स हैं, अब आप देखो इसको हिला रहे हैं तो ये भी हिल रहा है। ओह ये कहते हैं पार्टनर लो बटना, पार्टनर इनके साथ पार्टनरशिप लगाने का। ये रिस्पांस देता है रोबोट आपके एक्शन पे, कैमरा भी लगा है यार। वो वर्ल्ड का मैप देखना है यार, वो जाके देखेंगे करीब से। अच्छा ये सारी मशीनें हैं यहाँ पे, ये इन्होंने वर्ल्ड मैप बनाया हुआ है। यहाँ तसल्ली से बैठ के देखते हैं इसको, वो लोग भी देख रहे हैं भाई, आप आगे आ गए उनके। उफ पूरी जमीन, वाओ दुनिया घूम रही है ना। हाँ हाँ दिखा रहे कौन सा कौन सा, अच्छा घूमते हुए दिखा रहे हैं दुनिया को, कमाल है यार, पूरा गोला बनाया हुआ है, ये तस्वीर नहीं है, ये अर्ज़ बलद और तूले बलद के निशानात हैं, ये जो चकोर चकोर है ना। अब इसका इनसे पूछना चाहिए, शायद ये आज का वेदर भी हो शायद। देखें ये ऑस्ट्रेलिया है,
ये शायद आज का वेदर भी हो। ये ऑस्ट्रेलिया है। वो जापान। ये रहा जापान। ऊपर ये छोटा सा जापान नजर आ रहा है आपको नक्शे में, ये जो एक लकीर आ रही है ना जापान, ये है जापान जहां हम हैं इस वक्त। वैसे भी जा सकते हैं। ये नीचे ऑस्ट्रेलिया है, ये जो निशान है ना, ये सारा समंदर है, ये वाइट सारा बर्फ है। ये जमीन को इन्होंने घूमता हुआ दिखाया है, जो जबरदस्त यार। हाँ पाकिस्तान तो आने दें, कराची देखो। ये सऊदी अरब है, देख रहे हैं आप, ये जो बीच में टुकड़ा है ना छोटा सा, दोनों तरफ पानी और बीच में एक टुकड़ा, तीनों तरफ से जजीरा, ये जजीरा अरब है। ये ग्रीन ग्रीन इंडिया और पाकिस्तान है उसके साथ, ये पाकिस्तान है। बादल है, बादल बहुत जबरदस्त बनाया है यार। और सऊदी अरब का नक्शा है। हाँ हाँ उधर जाते हैं, ऊपर से भी ऊपर से देखते हैं, ऊपर से उधर से भी जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ। जापानीज हैं जी? तो किया देखो, इनको छोड़ो ये फिर भी देखेंगे। आ जाए बस, रहने दे रहने दे रहने देते हैं निकल। हम ये इसकी बनानी, मुझे देखते रहते हैं लोग। कैसा ज़मीन इसी तरह हवा में मुअल्लक है और घूम रही है। यहाँ तो इन्होंने लटकाई हुई, अल्लाह ने तो किसी रस्सी से भी नहीं बांधा हुआ ज़मीन को। क्या यार, इतनी बड़ी ज़मीन को अल्लाह ने खला में घुमाया है, हैं? अल्लाह की कुदरत नहीं है? क्या लेकिन ये मूवमेंट किस लिहाज से है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, ये क्या है? ये इतना बड़ा गोला है, ये मोबाइल में छोटा नज़र आ रहा है। अच्छा ये ओरिजिनल मूवमेंट है, ग्लोबल ये नंबर जो चेंज हो रहे हैं क्या है ये? रियल टाइम में भी जिंको ऐसे ठीक है, ये करते हैं। क्या कह रहे हैं? रियल टाइम टाइम के अंदर जो है ना, जो ऊपर से सियार देखते हैं वो दिखाएंगे, ये रियल टाइम में जो है ना ऊपर से सियार दिखा रहे हैं ना, जो देख रहे हैं वो। अच्छा ये दिखा रहा है, इसका व्यू है ना, ये इसका व्यू है, ये जो खलाई शटल है इसका व्यू है ये। अच्छा समंदर की लहरों का जो रुख है, जी, वो। किस लहर का रुख किधर को है? इधर देखो, ये सामने सऊदी अरब है, ये जो टुकड़ा है बीच में, बड़ा कमाल किया यार। यानी इसको रोका हुआ है इन्होंने, ये जो गोला है बॉल बहुत बड़ी, और इस पे तस्वीर को मूव किया इन्होंने, घुमाया है। स्क्रीन छोटी स्क्रीन्स हैं, स्क्रीन्स के ऊपर जा रहा है। ये बिल्कुल ओरिजिनल ज़मीन दिखाई है। वो ऊपर ऑस्ट्रेलिया है। चलें। आप ये देखो, यहाँ इन्होंने कितनी चीज़ों से इस गोले को लटकाया हुआ है। अल्लाह मियाँ ने कैसे इसको सूरज की गिर्दी इस तरह घुमा दिया है बगैर किसी रस्सी के। ये मशीन आप देख रहे हो, ये खलाई वो है ना जो ऊपर जाती है, तो उसकी उन्होंने डमी बनाई हुई है। ओहो हो, चांद पे जा रहे हैं भाई हम लोग, ये डमी बनाई हुई है इन लोगों ने। ये हम साइंसदान हैं, इसमें आ गए, बटन दबाएं, मरीख लिखें, ये इस तरह होता है, आवाज़ें आ रही होती हैं। ये माउस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा यहाँ देखा, पानी का बुलबुला, वजन नहीं होता उसका, है ना, ऐसे उछल कूद मचाई हुई होती है। तो
वो बटन नहीं दबा देना, ऐसा ना उड़ी जाए हम लोग। बटन नहीं जमी। हाँ ये जापान है, लोग का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे होता है, वेट ऊपर खत्म हो जाता है जाके। आप देखें ये होता है जी, बस ज्यादा बटन न दबाओ भाई। ये चीजें चेक बता रहे हैं इसमें स्क्रीन में क्या क्या होता है। और ये ऐसे चलते हैं, देख रहे हो भाई ऐसे चलते हैं ये लोग। वजन नहीं होता ना ऊपर। ये क्या वेट लिफ्टिंग कर रहा है भाई? अच्छा ये लोग ओरिजिनल में अभी खला में हैं ये लोग। हाँ ये खला में हैं अभी ये लोग। अच्छा ये खला में नहीं है, ऐसे ही है, ये पुरानी वीडियो है। अच्छा वो ग्रुप है, ये वाला नहीं। अच्छा बाल हो रहे हैं भाई, वाह। ये खला में ये कितने अरसे के लिए जाते हैं साइंटिस्ट? सितंबर 23 में गया है, 24 मार्च को वापस। करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च को मंजूर हुई थी। उसको अच्छा कजाकिस्तान से गए हैं। यार ये वजन के बगैर कैसे रहते हैं ऊपर? बड़ी हिम्मत है। वेट ही नहीं है भाई ऊपर जाके। वाह ये क्या है? दरख्तों को काट के हर चीज दरख्त की बनी हुई है। ये देखें हर चीज दरख्तों को काट के बनाई हुई है। जबरदस्त। ये म्यूजियम है मशीनों का, तो ये देखें रॉकेट। ओह ये वैसा होता है जैसे आपको दुनिया नीचे नजर आती है। हाँ स्टाइल वैसा बनाया हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, जब हम रॉकेट में होते हैं दुनिया आपको ऐसे नजर आएगी, तो हमें दुनिया ऐसे नीचे नजर आएगी। और दुनिया नजर आएगी, आखिरत नजर नहीं आएगी। ये जो रॉकेट है जो इस तरह से ऊपर जाते हैं। चलो भैया। ओ ये हिस्ट्री बता रहे हैं। ये क्या भाई? मतलब कि इस जमीन की पूरी हिस्ट्री जो है ना, वॉचिंग द प्रेजेंट अर्थ फाइंडिंग द ओरिजिन। शुरू करते हैं ना ये पास 10,000 हजार सब ये बता रहे हिस्ट्री का। अच्छा 10,000 साल पहले जमीन कैसी थी, लोग कैसे थे। लेकिन ये थोड़ा डार्विन का जो कहते हैं ना। हाँ और डार्विन ही को जाहिर है ये लोग फॉलो करते हैं। ये बता रहे हैं जी लाखों साल पहले क्या हुआ था। ये पूरी स्क्रीन बनाई भी है इन्होंने। ग्रेविटी
यहाँ से सही नज़र नहीं आ रहा, चलें आगे। ये क्या है? दो ही आ रहे थोड़े। व्हाट इज दिस? ये हमारा इंग्लिश में मतलब ये लिखा है कि जो यूनिवर्स में चीज है ना, सितारे हाँ, और हाँ, चीजें जो हमें अब तक नहीं पता हाँ, हम आस्ते आस्ते उसको अनकवर कर रहे हैं हाँ, यूनिवर्स के बारे में जो चीजें, और ये उनके ख्याल से मतलब साइंस के साथ ही ज्वाइन हो रहे हैं हाँ, तो ये बता रहे हैं कि मतलब ये पूछ रहे हैं आपसे कि भाई क्या आपके ख्यालात इस तरफ जाती है यूनिवर्स के तरफ कि आगे क्या है बियॉन्ड द अर्थ। सही विजुअली दिया हुआ है। ये सतह समंदर से 820 माइल नीचे के समंदर हैं, ओ सॉरी पत्थर हैं, समंदर के पत्थर जो इन्होंने यहाँ ला के रखे हुए हैं। ये अजीब चीज़ है भाई, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? लिखा हुआ है कि ये जितने भी जो चीज़ें जो लाल बॉल्स हैं हाँ, हैजर्ड्स के इस यूनिवर्स के अंदर जो खतरे वाली चीज़ें हैं, जैसे सुनामी उधर लिखा है, सुनामी हाँ, यहाँ पे सिलसिले अर्थक्वेक्स हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है हमारी ओजोन जो वो हाँ, हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी ये बॉल चल रहा है। ये मिसाल दी है कि इसके बावजूद भी ये दुनिया कायम है, चल रहा है। सही सही तरतीब पर। ये जैपनीज है ना बाल जी, ये यहीं के आप यहीं के बाउन है। गुड, उर्दू देखो कितनी अच्छी आती है इनको। थोड़ा बहुत बोल देता हूँ। अच्छा अजीब चीज़ बनाई है, तो ये वैसे ही समझा देते हैं आराम से जी। ये वैसे ही बता देते हैं इतने सारे हादसात हैं जी, लेकिन फिर भी हम जिंदा हैं, फिर भी हम जिंदा हैं। तो इतना टेक्निकल काम की क्या ज़रूरत थी? अजीब चीज़ बनाई है यार। ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो बनाते हैं ना न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उसके अंदर का एक हिस्सा है ये। अच्छा अच्छा जी जी। तो ये जो काला ना अंदर, ये इस तरह का जो है, ये तकरीबन अंदर कई हज़ारों जो है इसको कहते हैं खामी खोन दे मॉडल, ये उधर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, उसका ऐसे इन्होंने मॉडल बनाया हुआ है। अच्छा, अंदर का जो सिस्टम बना, पता नहीं भाई हम सब फारिग हैं इस मामले में। कभी हम एक तो किसी साइंसदान को लेकर आएंगे तो समझेंगे क्या है ये। बहरहाल ये म्यूजियम है जिसमें ज़रा टेक्निकल किस्म की मशीन है। ये चीज़ क्या है? सोनामी। सोनामी जी जी। कहाँ? सोनामी गुजर गया। अंदर आंख लगा के देखें जी जी, आंख लगा के देखना पड़ता है। ये लिखा है ना। अच्छा, तो सोनामी को दिखा रहा है। अच्छा, क्या कहावत है यहाँ पे? कहावत है कि इंग्लिश में हाँ, usually people work to live जी, मतलब वो जीने के लिए काम करते हैं, लेकिन जापान में जो है they live to work, तब काम करने के लिए जीते हैं जी। तो मतलब लेकिन यहाँ लोग जरा स्ट्रेस में और जी ये तो दबाव में होते हैं, मतलब खुदकुशी का जो रेट है दुनिया में नंबर। तो ये क्या वजह है इसकी, इतना स्ट्रेस में क्यों है यहाँ? मैंने नहीं देखा यहाँ लोग में वो जो एक रंगीनियाँ होती है ना मिजाज में जी, वो नहीं है यहाँ पे। सीधे सीधे जा रहे हैं आ रहे हैं बस जी, अपने मतलब काम से काम, एक खुशियाँ नहीं है यहाँ। लोग जो रहते हैं बताते हैं कि यार लोग में यहाँ खुशियाँ नहीं है। क्या वजह है इसकी? ये यहाँ के मकामी भाई बाय बॉर्न जापानी हैं ये। तो ये कि हो सकता है कि मतलब फैमिली टाइज जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितने हमारे मुस्लिम ममालिक में होते हैं, जैसे जी माँ बाप, रिश्तेदार, कज़न होते हैं, और काम ही मेन मकसद होती है। तो अगर काम सही चल रहा है, पैसे कमा रहे तो खुश हैं, अगर उसमें कुछ अप डाउन होती है तो वो काफ़ी डिप्रेस चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो मेन एक ही मकसद है वो भी ठीक से नहीं जा रही होती जी, तो वो फिर मायूसी में चले जाते हैं, और फिर मतलब शराब के ज़रिए या जो भी जो डोपामाइन वाली जो एंटरटेनमेंट चीज़ों से हाँ, वो अपने दिल को बना लेते हैं। ये एक ट्रेंड है यहाँ। सही सही सही। ये जो भी आप एक्ट करेंगे इसके सामने ये रिएक्ट करेगा। यहाँ लोग खड़े हुए हैं यही कर रहे हैं। अच्छा, टेक्निकल रोबोट है ये। म्यूजियम में हम आए हुए हैं, ये मशीनों का म्यूजियम है। ये क्या है भाई? ये घुमा रहे हैं, यहाँ से घूम रहे हैं। अच्छा, पहले ज़माने के टीवी का सिस्टम जो उसके बैक में होता था, यहाँ यूं कर रहे हैं तो वहाँ इससे ये पिक्चर बनती थी। पुराने ज़माने का टीवी,
सही हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये क्या है? बदलते जा रहा है। उसका कमाल दिखा रहे हैं कि ये यार किसी साइंसदान को लाना चाहिए था साथ में। चलें। अच्छा ये सारे रोबोट हैं, देखें रोबोट कुत्ते, थोड़ा प्यार करोगे तो वो रिप्लाई करेगा, रिस्पॉन्स देगा आपको। इस्लाम में बहरहाल ये नाजायज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने भी कोई ऐसा मुजस्मा बनाया ना अल्लाह उसे कहेगा इसमें जान भी डालो, तुमने अल्लाह की तख्लीक की मुशाबहत की है। काट ना ले सच्ची मुच्ची में। ये म्यूजिक जो है हाँ ये हर मतलब मार्केट में भी जापानीज का ये खत्म होने का ये म्यूजिक है। अच्छा ये म्यूजिक बता रहा है कि टाइम खत्म होने वाला है, निकलो। हाँ ये वो सारी सेम होता है ना। अच्छा तमाम मार्केटों में ये म्यूजिक चलाया जाता है बताने के लिए, निकलो भाई पतली गली से निकलो। यहाँ कोई साइंटिस्ट को साथ लाना पड़ेगा, ये भी रोबोट है देखो। हम लोगों ने कैसे रोबोट बनाया यार, ये लोगों को एंटरटेन करने के लिए है रोबोट, बच्चों को लोगों को। ये म्यूजियम था, इसका नाम क्या था? ये मिराई खान। मिराई खान मतलब मॉल ऑफ द फ्यूचर। मॉल ऑफ द फ्यूचर, तो फ्यूचर में ये मॉल बन जाएगा। मॉल से मुराद ये फैसिलिटी को कहते हैं ना। अच्छा तो फ्यूचरिस्टिक जो चीज़ें इधर वो शायद बहरहाल ये मशीनों का बड़ा म्यूजियम है। हम हसबे मामूल लेट पहुँचे हैं जिसकी वजह से बहुत सारी अहम चीज़ें देख नहीं सके। hmm,